Good afternoon, students, and welcome to Frontistery. Today we are going to revise two vocabulary words from them. First is xenomania, and in our previous class we have learned these two vocabulary words. First is xenophobia and second is xenophilia. And in this class we are going to learn xenomania. The meaning of this word is you love foreign things. And second is obsequious. The meaning of this word is you behave like in a servantly manner. Now I request sir to start the class. Thank you. Hello dear students and friends. मैं आज आपके लिए कुछ standard की vocabulary लेकर के आया हूँ. तो आप कृपया करके इनको अच्छी तरह देखें और ये स्टैंडर्ड की है और आज आपने मैं मेरा पूरा मानना है कि आप जिंदगी में इनको पहली बार सुनेंगे और सुन करके और मैं ये भी मानता हूँ कि इनको आप याद रख लेंगे. देखिए जो पहले एक दो तीन चार हैं ये मैंने ओशिनोग्राफी से लाया हूँ आपके लिए और पांचवा तो जनरल इंग्लिश का वर्ड है जो मैं आपको फिलर के रूप में लाया हूँ. तो ये चारों पांचों जो है आज हमारा पूरा ये होना चाहिए कि हमको अच्छी तरह से आ जाए. देखिए पहला है हिप्सोमीटर. हिप्सोमीटर क्या करता है? हिप्सोमीटर एंड बैथोमीटर ये दोनों हैं. पृथ्वी की सतह से यदि हम एलिवेशन नापते हैं, ऊंचाई जाते हैं, पृथ्वी जैसे मानो माउंटेन है, हिल्स हैं और कोई भी ग्राउंड है, उसको सी लेवल से, मीन सी लेवल से हम ऊंचाई नापते हैं, तो उसके लिए हम हिप्सोमीटर का काम में लेते हैं. हिप्सोमीटर कैसे काम करता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट को आधार मान करके किसी स्थान विशेष की ऊंचाई का उसकी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन के आधार पर उसकी ऊंचाई बता देता है. क्योंकि आप जानते हैं कि जो जो हम ऊंचा जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है पदार्थ का, लिक्विड्स का, वो कम होता जाता है क्योंकि वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है और एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो पानी है उसका उबलना भी कम टेम्परेचर पर ही हो जाता है. तो आपने जैसे माना ही है कि भाई जैसे हाई अल्टीट्यूड्स हैं, हाई एलिवेटेड एरियाज हैं, वहाँ पर दाल का पकाना, चावल का पकाना या कोई और हार्ड चीज़ का पकाना आसान नहीं है क्योंकि पानी कम टेम्परेचर पर ही उबल जाता है और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. तो इस बॉइलिंग पॉइंट के सिद्धांत पर यह हिप्सोमीटर काम करता है. और आपको याद ये रखना है कि पृथ्वी के मेन सी लेवल से यदि हम ऊंचाई नापते हैं तो उसके लिए हिप्सोमीटर काम में लेते हैं. और दूसरा यदि मेन सी लेवल से यदि हम महासागरों की गहराई नापते हैं, है ओशियंस की गहराई नापते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं बाथोमीटर और इसको बोलते हैं बाथीमीट्री. तो बाथोमीटर कैसे काम करता है कि जो जो नीचे पानी के नीचे हम समुद्र में जाते हैं तो उसका जो प्रेशर है उस बॉडी पर नीचे जो जो जाएंगे वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. और प्रेशर बढ़ता है तो उनका मानना यह है कि किस डेप्थ पर कितना गुना जो है प्रेशर बढ़ जाता है. तो जो जो नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है और उस प्रेशर को नाप करके ये बैथोमीटर ये बता देता है कि आप जो है मेन सी लेवल से समुद्र की या महासागर की इतनी गहराई तक उतर आए हैं. तो प्रेशर के साथ साथ दूसरा जो लेते हैं वो सोनार इको भी ले लेते हैं, यानी साउंड को नीचे भेज करके. और साउंड जब वापस इको होती है, वापस रिटर्न होती है, तो उसके टाइम मेजरमेंट के हिसाब से भी बाथोमीटर रिकॉर्ड कर देता है कि ये कितने नीचे से टकरा करके आया है. तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मेरियाना ट्रेंच है वो सबसे नीचा पॉइंट है महासागरों में और उसकी गहराई करीब करीब 11 किलोमीटर के आसपास है, एग्जैक्ट 10,920 से लेकर के 10,930 मीटर के है. तो वहाँ जो पॉइंट है वो भी इसी बाथोमीटर से नापा गया है. तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि मेन सी लेवल से ऊपर जो एलिवेशन लेते हैं वो तो लेते हैं हिप्सोमीटर से और जो महासागरों की गहराई की जो गहराई नापते हैं वो बाथोमीटर से नापते हैं. नाउ अब आ जाइए बाथोफोबिया. बाथोफोबिया क्या मतलब है कि जैसे आपने एक्रोफोबिया सीखा था, एक्रोफोबिया का मतलब था कि आप जो है हाइट पर जाएंगे तो आपको डर लगेगा. इसी तरह से यदि आप गहराई में जाएंगे, नीचे जाएंगे, सी लेवल से नीचे जाएंगे या पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको डर लगेगा. इसको बोलते हैं बाथोफोबिया और इसका एंटोनिम था एक्रोफोबिया.
अब है दो शब्द और है बाथोफिलस। अब देखिए कि 11 किलोमीटर समुद्र लेवल की गहराई में भी आपका ये कल्पना कर सकते हो कि वहां भी जीव है, वहां भी विभिन्न तरह के बैक्टीरिया और फिशेज और तरह तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। अब आप देखिए कि वहां 150 एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी जो पृथ्वी पर प्रेशर है उसका 150 गुना प्रेशर होने के बावजूद भी सागर की सतह पर जीव जीवित है और अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन जीवों को, उन गहराई में रहने वाले जीवों को हम बोल सकते हैं बाथोफिलस, यानी वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एडेप्टेड हो गए हैं लाइफ एट ग्रेट डेप्थ ऑन द ओशन। तो ये ओशन से संबंधित बातों दो तीनों शब्द आ चुके हैं और हिप्सोमीटर हाइट से आ चुका है। नाउ अब एक सिंपल सा वर्ड सिखा देता हूं आपको, सिखा क्या देता हूं आपसे शेयर कर लेता हूं, अनएब्रिज्ड। एब्रिज्ड का मतलब है संक्षिप्तीकरण करना, काट छांट करना, और अनएब्रिज्ड का मतलब है काट छांट नहीं करना जो क्या तो। तो आपने देखा है कि कई बार किसी चीज पुस्तक का संस्करण निकलता है तो उसका एब्रिज्ड एडिशन आ जाता है, यानी सारांश आ जाता है कांड सांड करके। यदि उसका हूबहू जोकर क्यों संस्करण आता है जो उसमें लिखा हुआ है, कंटेनिंग द ओरिजिनल कंटेंट नॉट कंडेंस्ड, और जैसे कि किस में काम आता है, यूज ऑफ बुक्स आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये मैंने आज आपके समक्ष थोड़ा स्टैंडर्ड का जो है टर्मिनोलॉजी लाया हूं, आप कृपया इनको रिकॉर्ड कर लें और ये डेफिनेट माने कि कोई स्टैंडर्ड का कंपटीशन होगा तो इन शब्दों में से एक शब्द आएगा, और जिस दिन शब्द आएगा उस दिन आप भूल जाओगे और उस दिन आपको यह याद आएगा, अरे उस दिन सीखा था, अफसोस है याद नहीं रहा। तो इस अफसोस की दवा अभी से ले लेना ताकि अफसोस नहीं रहे। तो आज के लिए इतना ही, और याद करते रहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते रहिए।